लग्न समारंभ असो वा त्या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही मोठे सोहळे असो, सगळ्यांनाच छान नवीन व चमकदार असे कपडे घालण्याचा उत्साह असतो. त्याचसोबत एक तक्रार देखील असते, ती म्हणजे नवीन कपडे एकदा घातल्यावर त्या कपड्यांचा पुन्हा वापर करता येत नाही. त्यावरच तोडगा म्हणजे द रेंटल अटायर हे नवीन आणि चमकदार कपडे भाड्याने देणारं दुकान. या तर मग जाणून घेऊया या दुकानाबद्दल. बेसिकली मैं स्टार्टिंग में फैब्रिक इंडस्ट्री में काम करता था. इसमें अभी कोविड आ गया था तभी 2019 एंड 20 में, तो तभी हमारा जॉब्स वगैरह सबके खतरे में थे, तो मेरा भी जॉब छूट गया था. तभी बाद में हमने ये स्टार्ट किया, जैसे हमने अभी हम इधर लहंगा रखते हैं, ब्राइडल लहंगा रखते हैं, ब्राइड्समेड लहंगा रखते हैं, गाउन्स रखते हैं. हमें सेरेमनी के लिए गाउन्स हो गए ब्राइड्स के लिए, या फिर एंगेजमेंट के लिए गाउन्स हो गए, या फिर साइडर्स गाउन्स भी है वैसे ब्राइड्समेड्स के लिए, उनके भाई उनकी बहन वगैरह के लिए. बाद में हैवी ड्रेसेस भी है. हमने अभी रिसेंटली मेंस सेक्शन भी चालू किया है, तो मेंस में अभी हमारे पास ब्लेजर्स है, शेरवानीज है, इंडो वेस्टर्न्स है, कुर्ता है, बंडी है. नॉर्मली मैंने ये रेंटल अटायर से मेरे भाई की शादी के लिए लहंगा लिया था जो सबको बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने बाकी सबको भी सजेस्ट किया. तो मेरे सारे कजिन्स जितने भी है वो यहीं पे आते हैं. यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन मिल जाता है, हल्दी का भी आउटफिट मिल जाता है, संगीत के लिए भी मिल जाता है और वेडिंग के लिए भी मिल जाता है. तो मुझे ये अटायर बहुत अच्छा लगा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सब लोग यहाँ पर आओ और अपने अपने पसंद के लहंगे चूज़ करके जाओ. बेसिकली हमारा 3 डेज़ का रेंट रहता है, जैसे आज लीजिए कल पहने उसके कल रिटर्न. अब परफेक्टली आपको आपके मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग करके मिल जाएगा और ड्राई क्लीन करके मिल जाएगा. और अगर आपका कभी डेस्टिनेशन वेडिंग है तो अगर आपको 4 डेज़ के लिए चाहिए तो आपको 4 डेज़ के लिए भी मिल जाएगा. अगर आपको डेस्टिनेशन से अगर कभी दूर वेडिंग है, अगर आपको 6 डेज़ लगते हैं तो 6 डेज़ के लिए भी मिल जाएगा. 8 डेज़ के लिए भी मिलता है हमारे इधर. और नॉर्मली रेंज स्टार्ट होता है 1000 से, वो जाता है अप टू 38,000. अभी डिपेंड्स आप क्या लेते हो उसके ऊपर. पुरुष असो वा स्त्री, नवीन आणि चमकदार कपडे घालायचा मोह हा कुणालाच आवरत नाही, हे मात्र तितकंच खरं. अनिरुद्ध जहागीरदार, न्यूज 18 लोकमत, ठाणे.